कितना सॉफ्ट है, लुक एट गाइज, वाओ। और इस सॉस के साथ बस इसको खा जाने का है और कुछ नहीं करना है। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, माय नेम इज नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी केक, जिसमें मैंने फ्रूट्स, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स यूज किए हैं। और आप प्लीज देखें इसको कि ये कितना फ्लफी और सॉफ्ट बना है। इसे मैंने कढ़ाई में बनाया है, तो देखते हैं नलिनी किचन में ये सूजी का केक बनाना फ्लेवर का कैसे बना। इसके लिए चाहिए हमें 1.5 कप सूजी, और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप आटा। ये गेहूं का आटा है, बहुत ही हेल्दी हम बनाने वाले हैं ये सूजी का केक। और इसमें 1/4 कप डालेंगे, ये है ओट्स, 1/4 कप चीनी यूज करेंगे, और बाकी का हम मीठापन बढ़ाने के लिए हनी यूज करेंगे, ताकि ये और हेल्दी हो सके। और आप चाहें तो चीनी की जगह मैपल सिरप और सिर्फ हनी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम 1/2 कप दही लेंगे और दही को इसके अंदर डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही हेल्दी मैं ये केक बनाने जा रही हूँ, इसमें मैं फ्रूट्स भी डालूंगी, बनाना यूज करूंगी, और आप इसको बना करके रख सकते हैं बच्चों को टिफिन में। एक अगर आपको मीठा रखना हो तो इसके पीसेस, इस केक के पीसेस रखेंगे तो ये एक हेल्दी ऑप्शन होगा। देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि ये काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए हम ल्यूक वॉर्म दूध डालेंगे, यानी कि गुनगुना दूध, और हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। मैं यहाँ 1 कप ल्यूक वॉर्म दूध यूज कर रही हूँ, इसको करेंगे मिक्स। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, इस तरह की हो जाएगी, अभी काफी थिक है। अब इसको अच्छे से मिला करके इसे ढक करके तकरीबन 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, केक टिन के नीचे मैंने ये पार्चमेंट पेपर लगा दिया है, आप देख रहे होंगे, इसको बटर पेपर भी बोलते हैं। घी लगा के नीचे ग्रीस करिए, उसके बाद ये पार्चमेंट पेपर लगा दीजिए। तो इस तरीके से हम अपना केक टिन भी रेडी कर लेंगे। इसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, उसमें नमक डाला है मैंने 1/2 पैकेट, और ये नमक वेस्ट नहीं होता है, आप यूज करने के बाद इसे बार बार यूज कर सकते हैं बेकिंग के लिए। और मैं ये नमक ठंडा होने के बाद एक डब्बे में रख देती हूँ और उसे मैं बेकिंग करते वक्त यूज करती हूँ। तो मैंने नमक इसके नीचे डाल दिया है, उसके ऊपर ये स्टैंड है, इसको ढक करके हम गरम करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। इस प्रोसेस को प्री हीट प्रोसेस बोलते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, मेरे पास पका हुआ केला है। अक्सर आप देखते होंगे कि पके हुए केले को हम फेंक देते हैं, लेकिन अब उस केले को फेंके नहीं, मैंने यहाँ 2 केले को मैश कर लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे। वो केले कुछ इस तरह के होते हैं, आप उसे फेंके नहीं, जब भी केक बनाएं उसमें ऐड करें, इसका टेस्ट और इनहेंस होता है। 1/4 कप हम ऑयल डालेंगे, मैं यहाँ ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, आप मेल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा मीठापन बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून हनी मिला रही हूँ, क्योंकि मैंने शुगर बहुत कम यूज किया था। और अब इन सारी चीजों को हम देंगे एक अच्छा सा मिक्स। ये देखें, हमारी ये कंसिस्टेंसी आ गई है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, मैंने यहाँ पे चॉप्ड आलमंड्स, चिरौंजी, काजू, और ये हैं वाटरमेलन सीड्स, और इन सारी चीजों को हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। कुछ ये किशमिश ऐड करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा और टेस्ट कलर देने के लिए हम ये ब्लैक रेजिन्स यानी कि काली किशमिश भी यूज करेंगे। तो कितना हेल्दी हो गया ये केक, और बनाना बहुत ही आसान है, घर में रखी चीजों से बन जाएगा। और बच्चों को जरूर ये बना करके दें। और मैं अपने बच्चे के टिफिन में ये प्रायर रखती हूँ उसके डेजर्ट की जगह पे। और ये देखिए, इस तरीके से मिक्स करें। अब हम यूज करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, और इन सारी चीजों को हम फटाफट मिक्स करेंगे। ध्यान रहे, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये तभी मिक्स करें जब आपको केक को आंच पे रखना हो, यानी कि कढ़ाई के अंदर। जब भी आपको केक बनाना हो, आप 15 मिनट रेस्ट के लिए रखें, लेकिन बेकिंग सोडा तभी ऐड करें जब आपको केक जो है आंच पे रखनी हो बेक करने के लिए। और ये मिक्स हो गया है अच्छे तरीके से। आप केक टिन लेंगे और उसमें ये बैटर डालेंगे और इसे टैप करें ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहे। केक को ऊपर से सजाने के लिए हम टूटी फ्रूटी यूज करेंगे।
साथ ही थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर तो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ब्लैक रेजिन टू, ब्लैक रेजिन से ना बहुत अच्छा कलर आता है। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सजा दिया है। अब चलिए हम कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, अब हम इसे कढ़ाई में बेक करते हैं क्योंकि हमारी कढ़ाई भी अब गर्म हो चुकी है। 15 मिनट ये प्री हीट हो चुका है। अब इसे बड़ी ही सावधानी से इसका ये प्लेट हटाएंगे क्योंकि ये बहुत ही गर्म होगा। बहुत ही सावधानी से इसके टिन को इसके बीचों बीच में रखेंगे और उसके ऊपर हम ये प्लेट अगेन रखेंगे इस तरीके से। और अब हम इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे और हीट शुड बी लो टू मीडियम, यानी कि लो से मीडियम ही हीट रहेगी, इससे ज्यादा तेज ना करें, अदरवाइज सूजी का केक जल जाएगा और वो अच्छे से बेक नहीं होगा। तो हम इंतजार करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बेक होने के बाद बहुत गर्म है प्लेट, सावधानी से हटाएं। अब हम एक टूथपिक की हेल्प से ये देखेंगे कि केक बना है कि नहीं। इस तरीके से डालेंगे और देखिए क्लीन आया है, थोड़ा सा लगा हुआ है। मैं और 5 मिनट ढक के इसको बेक होने के लिए रखूंगी। तो इसे हम ढक देंगे अगेन 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है और गैस को करेंगे बंद और इसको हम बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स अभी केक बहुत गर्म है तो इसे अब हम रूम टेम्परेचर पे आ जाने देंगे, उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और हमें क्या करना है, एक प्लेट को इस तरीके से रखना है और इसको पलट देना है इस तरीके से टैप करेंगे। ये देखिए वाव, थम्स अप बनता है। फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें मेरा चैनल। और अब इसके ऊपर जो ये पार्चमेंट पेपर लगा है इसको हटाएंगे बहुत ही आराम से। कितना स्पंजी बना है मैं इसे अभी काट के दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले इसे अगेन मैं इस तरीके से फ्लिप करूंगी। वाव फ्रेंड्स, देखिए नलिनीज किचन में बना ये कितना हेल्दी सूजी का केक रेडी है। बहुत ही सुंदर दिख रहा होगा आपको और बहुत ही हेल्दी और इजी टू मेक है। प्लीज थम्स अप करें, शेयर करें। फ्रेंड्स तो इसमें मैंने दिया है बनाना फ्लेवर और दूसरे केक में मैंने एसेंस यूज किया है, फ्रूट एसेंस। और इसको मैं अब काटने जा रही हूं आपके सामने और दिखाने जा रही हूं कि ये केक कितना फ्लफी है। तो देखने में तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा होगा, खाने में भी बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी है। तो माए तो ये देख करके वीडियो बहुत खुश होने वाली है, मुझे पता है, बिकॉज आई एम अ मदर। और ये देखिए फ्रेंड्स लाइक बनता है, आप इसकी स्पंजीनेस देखिए। मैं इसको दबा के दिखाती हूँ, लुक एट दिस, ये देखिए वापस आ जा रहा है, इसमें स्पंजीनेस बहुत है। बहुत ही टेस्टी ये केक बनके रेडी हो गया है। लाइक करें, शेयर करें, इसे खा करके और देख करके लोग आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। फीडबैक दें नलिनीज किचन में, अच्छा लगा तो कैसा लगा, और अगर आप सूजी केक बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, लुक एट दिस। अब मैं आपको सर्विंग सजेशन मैं बता रही हूँ जो नलिनी करती है। मैं क्या करती हूँ, जब मुझे बच्चों को ये देना होता है ना केक, तो मैं इसको और भी टेस्टी बनाती हूँ। कैसे, मैं इसके ऊपर डालती हूँ, जी हाँ, ये चॉकलेट सिरप। तो इसके ऊपर पोर करती हूँ मैं इस तरीके से चॉकलेट सिरप, बस आहा। और इसको किसको देख के खाने का नहीं मन होता। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट है, लुक इट गाइज, वाव। और इस सॉस के साथ बस इसको खा जाने का है और कुछ नहीं करना है। और एंजॉय करें नलिनीज किचन में इस सूजी के केक को।